नमस्कार, हो निजना हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर के प्रमुख हलचल। दीपावली के अवसर पर सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जा रहा मिठाई वितरण का कार्यक्रम, वहीं वार्ड पार्षदों द्वारा भी सफाई मित्रों को किया जा रहा है मिठाई का वितरण। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में छात्र छात्राओं द्वारा चलाया गया विशेष सफाई अभियान। रतलाम के बाजना क्षेत्र में किशोरी की लाश मिलने के मामले में बाजना पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। वार्ड क्रमांक 35 के पार्षद नीलोफर खान एवं रतलाम शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया द्वारा सफाई मित्रों को मिठाई का वितरण किया गया। त्योहार है और यह त्योहार मिलकर ही मनाया जाता है, यही वजह है कि हर कोई अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करके दीपावली की खुशियां बांट रहा है। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 35 के पार्षद नीलोफर खान एवं रतलाम शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, रतलाम नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, उपनेता प्रतिपक्ष कमरुद्दीन कछवाया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रजनीकांत व्यास, साबिर खान वार्ड क्रमांक 35, पार्षद प्रतिनिधि शाकिर खान द्वारा वार्ड प्रभारी विशाल गोसर एवं सफाई मित्रों का सम्मान कर मिठाई व पुरस्कार दिए गए एवं दीपावली की शुभकामनाएं भी दी गई। बहुत अच्छी परंपरा शाकिर भाई और नीलोफर जी ने चालू करी है। सबसे पहले आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। सबके पास तो सभी लोग जाते हैं, लेकिन जो मेन जो काम करने वाली हमारी जड़ है, जो बेस है, जो नींव है हमारी, उनका स्वागत और सम्मान करना अपने आप में एक अनुकरणीय है। और आपने जो काम किया इसके लिए मैं आपको वास्तव में धन्यवाद देता हूँ। सफाई कर्मी आज सामाजिक संस्था द्वारा दिव्यांग बच्चों को दीपावली पर्व के अवसर पर उपहार वितरण किया गया। स्वर्गीय श्री शांतिलाल जी सोलंकी की स्मृति में दिव्यांगों के पुनर्वास हेतु समर्पित संस्था लखदातार फाउंडेशन एवं बौद्धिक दिव्यांगों के अभिभावकों का संघ की स्थायी परियोजना सारथी विशेष विद्यालय में दिव्यांग बच्चों को दीपावली पर्व के अवसर पर उपहार वितरण किया गया। सारथी की संचालिका एवं विशेष शिक्षिका स्वाति सोलंकी ने बताया कि संस्था द्वारा बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रायोगिक भाग के तहत भारतीय सांस्कृतिक से रूबरू करने के लिए सभी त्योहार को उत्साह पूर्वक विद्यालय में बच्चों के साथ मनाया जाता है। इसी कड़ी में दीपावली पर्व के अवसर पर शुक्रवार को पार्षद आशा राजीव रावत द्वारा बच्चों के साथ दीपावली पर्व मनाया गया। बच्चों को पटाखे, फुलझड़िया, चॉकलेट एवं शिक्षण सामग्री को दीपावली उपहार के रूप में अतिथियों द्वारा वितरण किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम के परिसर में बिखरे हुए अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करके कूड़ेदान में डाला गया। स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम के परिसर में बिखरे हुए अपशिष्ट पदार्थों पाउच, पन्नी, पॉलिथीन को एकत्रित करके कूड़ेदान में डाला गया और फिट इंडिया फ्रीडम रन के अंतर्गत जिला संगठन डॉक्टर शिव सागर मौर्य, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ललिता मरमट, डॉक्टर मुकेश इवने, डॉक्टर नीरज आर्य के नेतृत्व में परिसर दूत महेश चौहान, स्वयंसेवक लखन भाभर, श्यामलाल चौहान, राजकुमार प्रजापत, भूमि मेहता, चेतना देवड़ा, भूरी निनामा, मुस्कान बोहरा, नीलेश पाटीदार, अभिषेक पवार, विकास आदि ने गतिविधियों में भाग लिया। अब बारिश छोटे से ब्रेक की। मिलन कलेक्शन 10X मनभावन बेहतरीन क्वालिटी फैंसी साड़ियों की संपूर्ण रेंज, ब्राइडल लहंगे, ब्राइडल साड़ियाँ, बुटीक साड़ियाँ, जयपुरी साड़ियाँ, कॉटन की साड़ियाँ एवं संपूर्ण वैरायटी एक ही छत के नीचे। तो आज ही पधारे, नया दौर, नया फैशन। मिलन कलेक्शन 10X राम मोहल्ला हाथी वाला मंदिर के सामने, कालू मामा कचोरी वाले के पास। संपर्क 9770383251 एवं 7000849449।
रतलाम के छोटिया बावड़ी के जंगल में किशोरी की लाश मिलने के मामले में बाजना थाना पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। रतलाम के छोटिया बावड़ी के जंगल में किशोरी की लाश मिलने के मामले में बाजना थाना पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। शनिवार सुबह जंगल में 16 वर्षीय सामिया की लाश मिली थी। शव पर चोट के निशान थे और पास में एक जहर की शीशी भी रखी हुई थी। मृतिका नाल गांव की निवासी थी और अपने मामा के घर छोटिया बावड़ी में रह रही थी। बाजना थाना पुलिस को जांच के दौरान जानकारी मिली कि गुरुवार को साम्या और अन्य लड़कियां गांव के ही गोवर्धन और पप्पू नाम के युवक के साथ देखी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने गोवर्धन पारगी से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया। गोवर्धन ने विवाद होने के बाद साम्या का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि हत्या की वजह के बारे में पुलिस ने अब तक खुलासा नहीं किया है। दरअसल आदिवासी अंचल के चोटिया बावड़ी के जंगल में शनिवार सुबह एक किशोरी का शव मिला था, जिसकी पहचान साम्या निवासी नाल गांव के रूप में हुई थी। जांच के दौरान पुलिस को मृतिका की बहन ने जानकारी दी कि गुरुवार को उसने बाजना में बहन साम्या, मामा की बेटी कंपा और उसकी सहेली प्रेमलता को गांव के गोवर्धन और पप्पू के साथ घूमते हुए देखा था। इसी आधार पर पुलिस ने संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो गोवर्धन पारगी ने गला दबाकर हत्या करना कबूल किया है। बांदा थाना पुलिस ने आरोपी गोवर्धन पारगी को गिरफ्तार कर हत्या के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। वहीं पुलिस हत्या की वजह के बारे में पूछताछ करने में जुटी हुई है। 19:32 रतलाम उदयपुर सिटी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। डीआरएम ने चित्तौड़गढ़ स्टेशन का निरीक्षण किया। शनिवार शाम 19:32 रतलाम उदयपुर सिटी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बची। दरअसल पिपलिया मंडी पहुंचने से पहले ही ट्रेन के इंजन का एक एक्सल जाम हो गया था। पता तब चला जब ट्रेन शाम 6:40 पर पिपलिया स्टेशन पहुंचने पर ड्राइवर ने नीचे उतरकर एक्सल चेक किया। जाम एक्सल किलोमीटर तक घसीटाने के कारण बहुत गर्म हो गया था। ड्राइवर ने तुरंत कंट्रोल को सूचना दी। कंट्रोल से अलर्ट जारी होने पर स्टेशन और CNW विभाग का स्टाफ पहुंचा। एक्सेल की हालत देख अधिकारियों ने उसे वहीं काट कर खड़ा करने का फैसला लिया। नए इंजन की डिमांड कंट्रोल को भेजी। इस वजह से गुजर रही मालगाड़ी का इंजन काट कर अलग किया गया। उसे यात्री ट्रेन में लगा कर रवाना किया गया। इस सारी कवायद में लगभग 2 घंटे लग गए, जिससे ट्रेन 2.10 घंटे की देरी से रात 8:50 पर रवाना हुई। खराब इंजन को रतलाम लाकर एक्सल ठीक किया जाएगा। कि नवागढ़ DRM रजनीश कुमार ने रतलाम चित्तौड़गढ़ सेक्शन का निरीक्षण किया था। स्पेशल निरीक्षण यान से DRM शाखा अधिकारियों के साथ सुबह 9 बजे रतलाम से रवाना हुए थे। स्टेशन ट्रैक ब्रिज OHE को देखते हुए वे चित्तौड़गढ़ तक गए। बताया जा रहा है कि व्यवस्था बदलने के बारे में DRM ने कुछ पॉइंट अफसरों को नोट कराया है। इस दौरान DRM का खास जोर स्टेशन की सफाई पर रहा। शाम 7 बजे वे वापस रतलाम लौट आए। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। दीपावली के अवसर पर सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जा रहा मिठाई वितरण का कार्यक्रम, वहीं वार्ड पार्षदों द्वारा भी सफाई मित्रों को किया जा रहा है मिठाई का वितरण। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में छात्र छात्राओं द्वारा चलाया गया विशेष सफाई अभियान। रतलाम के बाजना क्षेत्र में किशोरी की लाश मिलने के मामले में बाजना पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार।